आज हम पढ़ेंगे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं। जैसे कि हम जो वस्तु ले रहे हैं वो क्या नेसेसिटी आइटम है या फिर वो लग्जरी है, ठीक है, विलासिता की वस्तु है। जैसे कि हमारी मांग अगर पानी के लिए होगी, हमारी मांग अगर नमक के लिए होगी, हमारी मांग अगर चावल दाल के लिए होगी, तो वो मांग जो है वो अलग तरह से प्राइस से इफ़ेक्ट होगी। और अगर वो विलासिता की वस्तु है जैसे कि कार हो गया, सोफ़ा हो गया, तो वो अलग तरह से इफ़ेक्ट हो गई। जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में देखे हैं कि मांग की जो लोच है वो किन किन वस्तुओं के लिए किस तरह की होती है, तो चलिए इसमें हम विस्तार से जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो किसी भी वस्तु के मांग को किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है और किसी वस्तु की मांग कितनी लोचदार होगी, ये डिपेंड करता है वस्तु की प्रकृति पे। तो हम यहाँ पे हम देखेंगे कि वस्तुएं जो है वो तीन तरह की होती है। एक होती है अनिवार्य वस्तु, दूसरी होती है आरामदायक वस्तु और तीसरी होती है विलासिता की वस्तु, ठीक है। तो ये तीन तरह की वस्तुएं किसी भी वस्तु के मांग को प्रभावित करती है। जैसे कि हम देखेंगे कि जो अनिवार्य वस्तु है, जो नेसेसरी कमोडिटी है, ये इसमें क्या होता है कि इसमें जो इलास्टिसिटी होती है, जैसे कि अनिवार्य वस्तुओं के लिए जो मांग होती है वो इनइलास्टिक होती है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दवा है, पानी है, नमक है, तो इन सारे चीज़ों का कोई विकल्प दूसरा नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इन सारे वस्तुओं का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है और ये सारी वस्तुएं जो हैं हमें खरीदनी ही है, इसलिए इन अनिवार्य वस्तुओं की जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। और विलासिता की जो वस्तुएं होती है उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है। वैसे ही हम एग्जांपल हम ले सकते हैं कि पहले हमारे पास नोकिया वाला जो सिंपल फ़ोन करने वाला जो फ़ोन था वो हमारे पास है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, नोकिया की जो फ़ोन हो गई वो क्या हो गई, वो एक अनिवार्य वस्तु हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो रहनी है ताकि हम किसी से बात कर सकें, हम अपने रिलेटिव से बात कर सकें, ठीक है। अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ जाती है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन आ जाती है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, आरामदायक वस्तु होगी, ठीक है। और आरामदायक वस्तु वो इसलिए होगी क्योंकि वो कॉल के साथ साथ हमें कुछ और फैसिलिटी दे रही है। लेकिन जब हम लैपटॉप की मांग करेंगे तो लैपटॉप क्या हो जाएगी हमारे लिए, लैपटॉप जो है वो विलासिता की वस्तु हो जाएगी। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है कि हमारे घर में चेयर है, ठीक है, तो चेयर हमारे लिए क्या हुआ, चेयर हमारे लिए अनिवार्य वस्तु हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम सोफ़ा अगर ले आए तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए विलासिता की वस्तु हो जाएगी। तो इस तरीके से वस्तु की प्रकृति पे जो मांग होता है वो डिपेंड करता है। तो वस्तु की प्रकृति में अनिवार्य वस्तु की मांग की लोच होती है वो बेलोच होती है, आरामदायक वस्तु की मांग की लोच इकाई होती है और विलासिता की वस्तु की मांग की लोच बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि ये लोचदार होती है। वस्तु के विभिन्न उपयोग, अगर मानिए कि कोई एक वस्तु है और उसका विभिन्न उपयोग हो रहा है, यहाँ पर हम लोग स्मार्टफोन का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि स्मार्टफोन हमें बात करने के लिए भी चाहिए और हम वीडियो कॉल के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मानिए कि हमें किसी अपने रिलेटिव से बात करना है तो हम बात बिना वीडियो कॉल के भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल के साथ भी कर सकते हैं। अब मानिए कि अगर डाटा का दाम अगर कम है तो हम वीडियो कॉल से हम बात करेंगे, और अगर डाटा का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, वीडियो कॉल नहीं करेंगे और हम सिंपल उसे फ़ोन करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे एक वस्तु का विभिन्न उपयोग होता है वहाँ पे मांग का लोच जो होता है वो लोचदार होता है। ऐसे ही हम पानी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि पानी हमारे पीने के भी काम में आता है, बगीचे में पटाने के भी काम आता है
और सिंचाई के भी काम में आता है। किसी वजह से अगर पानी का दाम बढ़ गया तो हम क्या करेंगे कि हम उसे कार धोना, बगीचे में पटाना बंद कर देंगे और बस पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धि भी होती है, जैसे कि नमक है, तो नमक का कोई स्थानापन्न नहीं है, यानी कि नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर मानिए कि अगर चीनी का अगर प्राइस बढ़ गया तो हम चीनी से स्किप करके हम गुड़ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर नमक का प्राइस बढ़ गया तो इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई स्थानापन्न नहीं है, इसलिए हम नमक हमें लेना ही पड़ेगा और चीनी के बदले में हम गुड़ ले सकते हैं। तो ये वस्तु के उपलब्धता पे निर्भर करता है कि क्या उसका कोई स्थानापन्न वस्तु है या फिर नहीं है। तो नमक का जो मांग लोच होता है वो बेलोच होता है, और स्थानापन्न वस्तु जैसे चीनी हो गया, उसका जो मांग लोच होता है वो लोचदार होता है। मांग की लोच को उपभोक्ता की आय भी प्रभावित करती है। मानिए कि एक गरीब व्यक्ति है और एक अमीर व्यक्ति है, तो अगर किसी भी वस्तु की अगर प्राइस बढ़ती है तो जो गरीब व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो उसकी मात्रा कम कर देगा। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ती है तो गरीब व्यक्ति उसकी मात्रा कम कर देगा और या फिर वो उस वस्तु को नहीं लेगा, लेकिन अमीर व्यक्ति जो है वो उस वस्तु को लेना बंद नहीं करेगा, वो लेगा। तो गरीब के लिए जो मांग लोच होता है वो लोचदार होता है और अमीर व्यक्ति के लिए वो बेलोच होता है। संयुक्त मांग की वस्तुएं यानी कि पूरक वस्तुएं, कम्प्लीमेंट्री गुड, तो जो संयुक्त मांग की वस्तुएं होती है, जो पूरक वस्तुएं होती है, मानिए कि अगर आपको टी पसंद है और अगर चीनी का अगर दाम बढ़ जाता है तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, और इसलिए इसकी मांग की लोच होती है वो बेलोच होती है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में समय का भी प्रभाव रहता है, जैसे कि अल्पकाल में बेलोच होता है और दीर्घकाल में लोचदार होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का अगर दाम बढ़ गया, तो जैसे कि मानिए कि चाय का ही दाम अगर बढ़ गया तो आपको कॉफ़ी के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी टाइम लगेगी, अगर आपको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए ये अल्पकाल में बेलोच रहेगा, और धीरे धीरे आप अगर कॉफ़ी के साथ अगर यूज्ड हो गए, कॉफ़ी आपको अगर धीरे धीरे पसंद आने लगी और आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं तो दीर्घकाल में ये क्या हो जाएगा, लोचदार हो जाएगा। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।